बेसिकली फ्रेंड, आप कोई भी काम यदि अपने लगन और मेहनत के दम पर करते हो तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है, चाहे आज मिले, कल मिले या फिर और कोई मतलब कुछ दिन बाद मिले, लेकिन ये जरूरी है कि आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है और टाइम टू टाइम उस काम में आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट लाते रहना है। हाय एवरीवन, मैं हूँ निशांत राज और आज की इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा गाइज, क्योंकि ऐसा नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा था जिसमें मैंने बताया था यदि आप बहुत दिन से यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो फिर भी आपका वीडियो वायरल में नहीं जा रहा है तो आप यूट्यूब को वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने के बाद यूट्यूब टीम आपको रिप्लाई करेगी। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो या फिर इंड स्क्रीन पर वो वीडियो आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया था कि आप कैसे अपने वीडियो को या फिर अपने चैनल का ग्रोथ जो रुक गया है उसे यूट्यूब से शेयर कर सकते हो अपने बातों को और अपने चैनल को एक अच्छी तरीके से चला सकते हो। फाइनली दोस्तों, उस वीडियो में मैं बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन और इंड स्क्रीन पर दोनों में वीडियो दे दूंगा। तो फाइनली दोस्तों, मैं वैसा ही किया था जिसके कारण मेरे जो चैनल का ग्रोथ है वो बढ़ गया और अभी आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जो है व्यूज बहुत, बहुत सारे वीडियोज हैं जो जिस पर व्यूज अब आने लगे हैं धीरे धीरे। तो फाइनली दोस्तों, क्या होता है कि ग्रोथ रुक जाने के कारण ऐसा होता है। और फाइनली दोस्तों, क्या होता है कि जब आप बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं डालते या फिर रेगुलर वीडियो नहीं डालते तो आपके चैनल का ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाता है, CTR कम हो जाता है, जिसके कारण आपका वीडियो वायरल नहीं होता। फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे, जैसे कि फ्रेंड आप यूट्यूब पर ही वीडियो डालते हो तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा ना थोड़ा अपडेट लाते रहना होगा। जैसे कि आप वीडियो क्रिएट करते हो तो रेगुलरली आपको वैसा ही एडिटिंग नहीं देना है, आपको एडिटिंग बदल बदल के देना है। एडिटिंग बदल बदल के देने से ही फ्रेंड आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं आपके वीडियो को देखेंगे, आपके वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा और आपके चैनल का ग्रोथ बढ़ जाएगा। फाइनली दोस्तों, मेरा भी वीडियो में जो व्यू रिडक्शन मतलब जिसको कहते हैं कि ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तभी आपका वीडियो में वॉच टाइम बढ़ेगा और आपके चैनल का CTR हाई होगा, जिसके कारण आपके चैनल का ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ जाएगा। टाइम टू टाइम अपने वीडियो में अपडेट करते हो तो आप कोई भी आपको जैसे कोई वीडियो देखेगा और देखेगा कि ये वीडियो अलग अलग मतलब कुछ अलग अलग तरीके से प्रत्येक वीडियो को अलग अलग तरीके से दर्शाना है तो इस अलग अलग यदि प्रत्येक वीडियो में दिखाते हो तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि 50+ वीडियो यदि आप जैसे ही डालते हो तो आपका एक ना एक वीडियो तो बहुत ज़्यादा व्यूज आएंगे, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन आएंगे, बसरते आपको वीडियो में टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। सो फ्रेंड, दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और फाइनली वो वीडियो का CTR इतना हाई हो गया, इतना हाई हो गया कि अभी उस पर व्यूज हैं जो एक दो दिन में एक 2000 आसानी से बढ़ जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों की वजह से ये संभव हो पाया है और उसका जो CTR है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो उस पर लगता है व्यूज आते रहेंगे। और फाइनली दोस्तों, दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा कि उस पर लाइक और अपना वॉच टाइम मिनट दिखाने के लिए, क्योंकि कोई भी वीडियो जो YouTube पर वायरल होता है गाइज वो होता है वॉच टाइम के कारण। आपका यदि वीडियो का वॉच टाइम मिनट व्यू ड्यूरेशन जिसको कहते हैं वो ज़्यादा रहेगा तभी आपका वीडियो वायरल में जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, अभी धीरे धीरे हो रहा है और कुछ रफ्तार जब पकड़ेंगे वीडियो में तो काफ़ी अच्छे ज़्यादा व्यूज आ जाएंगे। अभी देख सकते हो फिलहाल उस पर 18,000 के प्लस व्यूज आए हैं, शायद हमारे वीडियो बनाने तक उस पर 19K व्यूज आ जाए। तो फाइनली दोस्तों, ये 18,000 व्यू हमारे चैनल के लिए 18 मिलियन व्यूज के बराबर है, क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल जो है हमारे चैनल पर मात्र 1K सब्सक्राइबर है और 1K सब्सक्राइबर में यदि किसी नए क्रिएटर को 18K प्लस व्यूज किसी वीडियो पर आ जाए तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात होती है। उसके लिए वो व्यू 18K व्यू मेरे लिए 18 मिलियन व्यू के बराबर है। तो फाइनली दोस्तों, दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस वीडियो पर व्यू ड्यूरेशन और टाइम दिया जिसके कारण वो वीडियो का रफ्तार थोड़ा तेज़ हो गया और CTR बढ़ गया और वीडियो वायरल में चला गया। इतना ही था आज के वीडियो में गाइज, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही उस वीडियो के लिए आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देखिए, वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कैसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में, तब तक के लिए गुड बाय।